दोस्तों, क्या रियली यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है? मेरा स्ट्रिक्ट जवाब है यस यू कैन। ढेर सारे लोग ढेर सारे पैसा यूट्यूब से कमा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के पास ढेर सारे ऑडियंस है। जहाँ पे ऑडियंस है वहाँ पे मनी भी है। वो मनी अब ग्राब कर सकते हो। कितना सारा कर सकते हो आपका अंदाजा भी नहीं है। जो एडवांस लेवल का यूट्यूबर है वो कितना सारा कमाते हैं। आप सोशल मीडिया खोलेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ एडसेंस का अर्निंग वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन एडसेंस या स्पॉन्सर से अलावा भी काफ़ी सारा तरीका है यूट्यूब से पैसा कमाने का। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब एक्चुअली है क्या एंड यूट्यूब से आपको पैसा कैसे कमाना है। कितना सारा तरीका है जो एडवांस लेवल का यूट्यूबर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यूट्यूब शुरू करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो बात जो बिगिनर लेवल का लोग है उसको भी समझ में आ जाएगा एंड जो एडवांस लेवल के लोग है उसके उसके लिए भी कंफर्टेबल है एंड कुछ एडवांस जानकारी भी है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में यूट्यूब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, यूट्यूब के बारे में एडवांस जानकारी चाहिए, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। यूट्यूब मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक सीरीज वीडियो होगा जिसका पहला वीडियो है ये वीडियो। तो ये सीरीज में क्या क्या रहेगा पहले आपको बता देते हैं। इस सीरीज में क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है यूट्यूब क्या है, कहाँ से अर्निंग किया जाता है। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे कौन सा तरीका है एडवांस लेवल का यूट्यूबर कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, देन यूट्यूब चैनल को आपको कैसे क्रिएट करना है, एक थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, चैनल आर्ट कैसे क्रिएट करना है, चैनल को कैसे सजाना है, ए टू जेड यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब का वीडियो आप कैसे एसईओ कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो कैसे आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब मोनेटाइजेशन, सब कुछ के बारे में इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे। बाद के बाद एक वीडियो आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, देन जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए ताकि नेक्स्ट जो यूट्यूब के बारे में वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके यूट्यूब की तरफ बात करते हैं कि अगर आपकी यूट्यूब शुरू करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, इसके बारे में पहले बात करते हैं। बाद में बात करेंगे कैसे पैसे कमाना है या कुछ वगैरह वगैरह कुछ चीज़ बाद में बात करेंगे। तो इक्विपमेंट की बात करूँ तो अगर आपके पास एक पीसी है उसे आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी चलेगा। तो हर किसी के पास अब एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे आप बढ़िया से शुरुआत कर सकते हो क्योंकि आप उससे शूट कीजिए। ओपन कैमरा नाम का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उससे आप शूट कीजिए। काफ़ी सारा वीडियो एडिटर फ्री में आपको मिल जाता है, वो काफ़ी फास्ट भी रेंडरिंग करता है, वीडियो को अच्छा से सजा सकते हो, ठीक है। आप टेक्निकल दोस्त करके एक चैनल देख सकते हो, वो पूरा की पूरा जो वीडियो होता है वो मोबाइल से शूट करते हैं, मोबाइल से एडिट करते हैं। अभी तक भी उसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गया, ठीक है। तो वो भी आपका एक इंस्पिरेशन बन सकता है। अगर आपके पास एक मोबाइल है उससे शूट करके आप कंप्यूटर के अंदर भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारा तरीके से, अगर आपके पास एक मोबाइल नहीं है, अगर आप कंप्यूटर का स्क्रीन शूट करके वीडियो बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। अगर आप अपना फेस नहीं दिखा सकते हो या दिखाना नहीं चाहते हो तो फ़ोन का जो स्क्रीन है उससे रिकॉर्ड कीजिए, आप कर सकते हो। अगर बात रही आपका जो स्टैंड, कैमरा स्टैंड, आप घर में जुगाड़ करके लगा लीजिए। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, काफ़ी सारा स्टैंड बनाने का तरीका आपको बताई देगा। आप एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए, उसके अंदर बाली भर दीजिए, उसका ऊपर एक मोबाइल रख दीजिए किसी भी तरीके, या 200-300 रुपये में आपका छोटा सा ट्राईपॉड जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे इक्विपमेंट, कोई भी माइक का पहले टाइम पे ज़रूरत नहीं है, अब वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, रात के टाइम में शूट कीजिए, आपका जो चीज़ है वो चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फेस का वीडियो आप नहीं बनाए, काफ़ी सारा वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए, ठीक है। सिर्फ फेस वीडियो नहीं है, जैसे कि मैं आपको फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारा वीडियो है। आप किसी भी तरीके से वीडियो बनाइए एंड वहाँ पर डाल दीजिए। आपका जिस चीज़ पर सबसे पैशनेट हो, अगर आप बाइक चलाने में अच्छे हो, बाइक के बारे में अगर आपको अच्छा जानकारी है उसको बना दीजिए, अगर कार के बारे में अच्छा जानकारी है उसको बना दीजिए, अगर आप ट्री लवर हो, अगर आप नेचर लवर हो उसके बारे में वीडियो बनाए, ठीक है। अगर आप एक डॉक्टर हो उसके हेल्थ के रिलेटेड वीडियो बनाए, आप जिस चीज़ के बारे में अच्छा से अच्छा जानकारी है उसको ही आप बनाइए, तो आप यूट्यूब पर ग्रो कर पाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा बात, आप यूनिक कीजिए, कुछ यूनिक सोचिए, कुछ यूनिक नाम दीजिए, कुछ यूनिक करिए, तभी जो पीपल है वो आपको रिमेम्बर करके रखेंगे। तो चलिए बकवास बंद करता हूँ, अब बात करते हैं कैसे पैसे कमाना है एक्चुअली। दोस्तों, यूट्यूब का एक लौता तरीका सिर्फ एडसेंस नहीं है, फिर भी एडसेंस के बारे में मैं बात करता हूँ। अगर अभी जो यूट्यूब का रूल्स है
अगर आपको वो यूट्यूब के अंदर एडसेंस लगाना है तो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 आवर का वॉच टाइम होना चाहिए। मैं एक सजेशन दूँ, आप सिंपली वीडियो डालते रहिए, वो एक दिन का मामला है। अगर एक वीडियो का आपको पुशअप मिल गया तो एक दिन में वो आपको आप वो अचीव कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आप सिंपली कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहिए एंड आपका जो है चल जाएगा चैनल, कोई बात नहीं है। दूसरा बात, यूट्यूब किस तरीके से पैसा कमाते हैं, वह स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से काफ़ी सारा पैसा जो है फॉरेन जो है एक्चुअली अमेरिका या लंदन या और कोई कंट्री का है वो ज़्यादा पैसा कमाता है। इंडियन जो यूट्यूबर है उतना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप उसको नहीं मिलता है, फिर भी वो कमा लेता है अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप से। ठीक है, मोबाइल या कुछ गैजेट्स या जो जिस रिलेटेड जिसका चैनल है उसका उस रिलेटेड स्पॉन्सरशिप मिलता है, अब मिल सकता है। नंबर थ्री में क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके थ्रू यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे देखेंगे उसमें काफ़ी सारा Amazon.2 करके काफ़ी सारा लिंक आप देखेंगे या Flipkart का लिंक आप देखेंगे, जिससे उस वो जो यूट्यूबर है उसको क्रिएट किया, उस लिंक को एफिलिएट अकाउंट खोला, लिंक को क्रिएट किया, उसका डिस्क्रिप्शन में डाला एंड वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू किया या उस प्रोडक्ट के बारे में बात किया एंड देन उसका रिव्यू डाला। हालांकि ऑडियंस उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ उस चैनल के ऊपर, तो उसका जो लिंक है उसके उसमें जाके वो अगर बोले ये चीज़ अच्छा है तो जाके ज़रूर खरीदेंगे वो कस्टमर, वो जो आपका यूज़र है, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एक एक मतलब ब्यूटी अगर आप एक बेचेंगे 20% या 13% 7% 17%, काफ़ी सारा एक एक प्रोडक्ट का एक एक अलग अलग एक एक कैटेगरी का अलग अलग एक उसका रेवेन्यू होता है। ठीक है, आप उससे काफ़ी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। नंबर फोर है, जो आपको समझ में नहीं है आता है एक्चुअली, ये एक्चुअली एक एडवांस बात है। अगर मेरा चैनल का नाम है कि डिजिटल पंडित, तो डिजिटल पंडित एक ब्रांड धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, जब इस नाम को आप याद में रखेंगे डिजिटल पंडित, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे डिजिटल पंडित को देखेंगे तो उसको डाउनलोड कर लेंगे, या हमारा जो चैनल है इसका नीचे में जो डिजिटल पंडित की एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसका जो प्ले स्टोर है उसके अंदर डाल दिया, अपने डाउनलोड किया, तो हज़ार या मेरा पास अगर 1 मिलियन यूज़र है तो वहाँ से 50,000 या 1 लाख लोग तो उसको डाउनलोड कर ही लिया होगा। ठीक है, उसके थ्रू आप मैं अर्निंग करूँगा, कैसे एडमोब उसके अंदर लगा देंगे, इसके बाद उससे अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, अलग तरीके से अलग से उसका अर्निंग होगा। एक्चुअली उसका जो एडसेंस का अर्निंग हो वो भी अलग होगा, जो एडमोब का अर्निंग हो वो भी अलग होगा। और क्या क्या अर्निंग सोर्सेज है, दूसरा है और भी है एक वेबसाइट। अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपका काफ़ी सारा आपका जो चैनल है उसका ब्रांडिंग हो चुका है, आपका जो चैनल नेम है उसका ब्रांडिंग हो चुका है डिजिटल पंडित। उससे मैं अगर एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली उसको आप जाएंगे उसके अंदर देखेंगे क्या क्या मैं अपडेटेड डालता रहता हूँ, क्या होगा। ठीक है, अब मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो है उसके अंदर जाएंगे, काफ़ी सारा ट्विटर में ट्विटर हैंडल जो है उस पर देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, या जो वेबसाइट है जो सॉरी जो यूट्यूब चैनल है उसका नीचे जो है मैं उसका एक लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जाएंगे एंड वहाँ पे जो एडसेंस लगाएंगे हम लोग, एडसेंस के ऐड एक दो जगह पे वहाँ पे लगाएंगे एंड उस ऐड का इंप्रेशन भी होगा एंड कुछ कुछ लोग अगर इंटरेस्टिंग लगा तो ऐड पे क्लिक कर देंगे, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा। अब जो बात आती है, ये बहुत ही एडवांस लेवल की बात है, ये सारे के सारे जो यूट्यूबर है, ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, ये एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं मर्चेंडाइज। आप अपना खुद का प्रोडक्ट उसके अंदर बेच सकते हो, चाहे आपका वेबसाइट के थ्रू, चाहे आपका इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे आपका ट्विटर के थ्रू, चाहे आपका यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, किसी भी प्रोडक्ट, आपका जिस रिलेटेड चैनल है उस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाइए, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। अगर आपके पास 1 मिलियन या 10 मिलियन या 50,000 या 1 लाख का अगर आपके पास यूज़र बेस है, ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख या 3 लाख आपके पास यूज़र बेस है, तो उसमें से अगर 2 या 3% भी आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे,
तो आप सोचिए आपका कितना सारा रेवेन्यू बना एंड आपका ब्रांड वैल्यू भी अच्छा हुआ। तो एक्चुअली सिर्फ एडसेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है। सिंपली जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल मत खुलिए, इसका अंदर अर्निंग नहीं है, वो आपको डीमोटिवेटेड करते हैं। उसका बात में मत चाहिए, आप सिंपली यूट्यूब चैनल को खोलिए। इंडिया में काफ़ी सारा लोग कर रहे हैं, फॉरन में आप देखिए ना, एक एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हैं एंड काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया वो अर्निंग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी का, एक लाइट का एक चैनल है आप देख लेंगे, एक छोटा सा किट का एक चैनल है जो टॉय रिव्यू कर रहा है, जो रायन टॉय रिव्यूज आप देखेंगे चैनल, कितना सारा उसका रेवेन्यू है। आप जिस चीज़ में पैशनेट है उसको पकड़ के बैठिए, यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते रहिए, यूट्यूब आपके लिए है, कॉन्सिस्टेंटली डालते रहिए। कॉपीराइट का ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एडवांस लेवल का होगा, कॉपीराइट क्या होगा, फॉन्ट कॉपीराइट क्या होगा, इस सारे की सारी बात आपको एडवांस में बताएंगे। यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करती है इसके बारे में बात करेंगे, मैं भी एक मार्केटर हूँ, ठीक है, मैंने मार्केट प्लेस में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर मार्केटर एज ए मार्केटर मैं काम करता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा तो आपका जो फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी थोड़ा हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल मंडी।